जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी डिफेंस गुरुकुल पर। माई सेल्फ उज्ज्वल। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 14 ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्लियामेंट फॉर डिसरिगार्डिंग चेयर। जी बिल्कुल, आपके समक्ष है 14 ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है फॉर डिसरिगार्डिंग द चेयर। चलिए, एमपी सस्पेंशन एटलीस्ट 71 टाइम्स सिंस 2019, हु एंड हु ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे हैव बीन सस्पेंडेड। द एमपीज वर सीकिंग अ डिस्कशन ऑन द सिक्योरिटी ब्रीच इन द पार्लियामेंट वेडनेसडे, और ये कुछ पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करना चाह रहे थे सिक्योरिटी ब्रीच के रिगार्डिंग, बट चेयर ने यहां पर इन्हें सस्पेंड कर दिया है ओवर अ डिस्कशन। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रायन एक साइलेंट प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, आपको यहां पर तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा। जिन एमपीज को सस्पेंड किया उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था फ्रॉम द राज्यसभा। चलिए, ये हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनकी चेयर को डिसरिगार्ड किया गया है राज्यसभा के अंदर। ये चाह रहे थे कि डिस्कशन हो ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट के इशू पर। डेरेक ओब्रायन दैट इज द टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहां पर। टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रायन सस्पेंडेड फ्रॉम द राज्यसभा फॉर द ग्रोस मिसकंडक्ट। ऑलराइट, चलिए क्या बात करते हैं यहां पर लिस्ट ऑफ सस्पेंडेड एमपीज के बारे में। कांग्रेस के जोठी मानी, हिबी एडन, टीएन प्रथपन, कुमारी राम्या हरिदास, डैन करियकोस, मणिकम टेगोर, एमडी जावेद, वीके श्री कंदन एंड बेनी बेहानन। साथ ही में बात करें डीएमके के कनीमोगी, सीपीआईएम के पीआर नटराजन, एस वेंकटेशन, सीपीआई के दैट इज के सुब्रमण्यम, और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन को यहां पर सस्पेंड किया गया है पार्लियामेंट के फॉर द ग्रोस मिसकंडक्ट फॉर डिसरिगार्डिंग द चेयर। यू कैन सी डेरेक ओब्रायन इज हैविंग अ साइलेंट प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग हिज सस्पेंशन। सस्पेंशन ऑफ एमपीज फ्रॉम द पार्लियामेंट पावर्स ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर। बात करते हैं यहां पर किस बेसिस पर सस्पेंशन किया जाता है और क्या क्या पावर हो सकते हैं यहां पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर के। टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स स्मूथली द रूल बुक ऑफ रेस्पेक्टिव हाउसेस गिवन सर्टेन सिमिलर पावर्स टू द प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स। एक हाउस को चलाने के लिए, एक सदन को चलाने के लिए, उसकी प्रोसीडिंग्स को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए कुछ पावर यहां पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को दिए जाते हैं दोनों हाउसेस के। सबसे पहला रूल है यहां पर रूल नंबर 255 ऑफ द राज्यसभा रूल बुक। द चेयरमैन मे डायरेक्ट एनी मेंबर हुज कंडक्ट इज इन ओपिनियन ऑफ ग्रोसली डिसऑर्डरली टू विदड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द काउंसिल, एंड एनी मेंबर सो ऑर्डर टू विदड्रॉ शैल डू सो फोर्थविथ एंड शैल एब्सेंट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डेज मीटिंग। जी बिल्कुल, यहां पर आप देख सकते हैं अगर किसी भी तरीके का ग्रोस मिसकंडक्ट देखा जाता है चेयरमैन के द्वारा बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो बिल्कुल चेयरमैन ये फैसला ले सकते हैं उसके सस्पेंशन का। वेयर इज रूल 55 प्रोवाइड्स फॉर द लेसर पनिशमेंट। 256 के अंदर प्रोवाइड किया जाता है सस्पेंशन ऑफ मेंबर के रिगार्डिंग, और 255 रूल के अंदर थोड़ी सी लेजर सब पनिशमेंट के रिगार्डिंग। रूल 56 इट अलाउज फॉर द सस्पेंशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। ठीक है, जो बचे हुए सेशन तक के लिए यहां पर सस्पेंड किए जाने की बात की जाती है। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यूज दिस टू सस्पेंड 12 एमपीज। ठीक है, 12 एमपीज को सस्पेंड करने के लिए इस रूल का सहारा लिया गया है बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। रूल नंबर 374 ए ऑफ लोकसभा के बारे में अगर हम बात करें, 2001 के अंदर इसको ऐड किया गया था, विच एम्पावर्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा टू ऑटोमेटिकली सस्पेंड एन एमपी फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 डेज फॉर डिस्पर्सिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। जी बिल्कुल, यहां पर रूल नंबर 374 ए के बारे में अगर हम बात करें तो लोकसभा के स्पीकर को यहां पर पावर दी जाती है कि वो किसी भी एमपी को सस्पेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 5 दिनों के लिए फॉर डिस्टरप्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। 2015 के अंदर स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने इसको यूज करते हुए 25 कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहां पर सस्पेंड किया था। ये जो पावर है इज नॉट अवेलेबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है,
चलिए पावर्स ऑफ चेयरमैन एंड स्पीकर सिमिलरिटी के बारे में अगर हम बात करें, लाइक द स्पीकर ऑफ स्पीकर इन द लोकसभा द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एम्पावर्ड अंडर द रूल 255। जैसा हमने देखा यहाँ पर रूल 55 और 256 ऑफ राज्यसभा बताता है सस्पेंड करने के लिए किसी भी मेंबर को, और लोकसभा के अंदर चेयरमैन के अंदर डज नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड अ मेंबर। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर के पास में इस तरीके का पावर नहीं है कि वो आने वाले सेशन के लिए किसी भी एमपी को सस्पेंड कर सके। वो मैक्सिमम 5 डेज के लिए ही सस्पेंड कर सकता है लोकसभा का स्पीकर। ऑल राइट, सस्पेंशन ऑफ एमपीज फ्रॉम द पार्लियामेंट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एमपीज। एमपीज आर नॉट टू इंटरप्ट द स्पीच ऑफ अदर्स, मेंटेन साइलेंस, नॉट ऑब्स्ट्रक्ट प्रोसीडिंग्स बाय द हिसिंग और मेकिंग रनिंग कॉमेंट्रीज ड्यूरिंग डिबेट्स। जैसा कि आप देखते हैं कहीं ना कहीं आप स्कूल कॉलेजेस में भी डिबेट्स करते होंगे, तो उसी तरीके के रूल्स आपको पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई देंगे कि किसी को भी आपको स्पीच देते वक्त इंटरप्ट नहीं करना है, साइलेंस मेंटेन करके चलना है, उन्हें प्रोसीडिंग के दौरान डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है, या फिर रनिंग कॉमेंट्रीज नहीं करनी है ड्यूरिंग द डिबेट्स। मेंबर शुड नॉट शाउट स्लोगन्स, किसी भी तरीके के स्लोगन्स आउट नहीं करने, प्ले कार्ड्स डिस्प्ले नहीं करने, और किसी भी डॉक्यूमेंट को टीयर अप नहीं करना है प्रोटेस्ट के दौरान। ऑल राइट, कंडीशंस ऑफ द सस्पेंशन के बारे में अगर हम बात करें, द सॉल्यूशन टू अनरूली बिहेवियर हैज टू बिलोंग लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट विद द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जी बिल्कुल, आपको यहां पर संविधान की डेमोक्रेटिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली यहां पर आपका बिहेवियर रखना होगा। नंबर सेकेंड, there can be no question that the enforcement of supreme authority of the presiding officer is essential for the smooth conduct of proceeding. yahan par kisi bhi tarike ke sawal ye channa nahi hone chahiye supreme authority ke upar, aur jo ki aapke presiding officer rahenge jo bhi wo decision le for the smooth conduct of proceedings. chale टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, अगर हम सस्पेंशन के टर्म्स के बारे में बात करें, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज फॉर द रिमाइंडर ऑफ सेशन, इट इज अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन है वो आने वाले रिमाइंडर सेशन तक के लिए दिया जाता है। और सस्पेंडेड मेंबर्स कैन नॉट एंटर द चैम्बर और अटेंड द मीटिंग्स ऑफ कमिटी। जो सस्पेंडेड मेंबर्स है यहाँ पर चैम्बर के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, साथ ही किसी भी तरीके की मीटिंग अटेंड करने की अनुमति उन्हें नहीं दी जाती है। He will not be eligible to give notice for discussion or submission. किसी भी तरीके का नोटिस नहीं दिया जा सकता है उनके द्वारा डिस्कशन और सबमिशन के लिए। He loses the right to get a reply to his question. अगर उनके द्वारा कोई क्वेश्चन राज्यसभा में पूछे गए तो उनके पास में वो राइट नहीं है कि वो उन्हें रिप्लाई दिया जाए। चले पार्लियामेंट आप देख सकते हैं, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और 1000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट रहा था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। नंबर वन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 238 नॉट मोर देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। House of People, that is लोकसभा के बारे में अगर हम बात करें, not more than 545 members, of which not more than 13 from the Union Territories, 530 members elected by the people and 2 nominated by the Anglo-Indian representative, जिसे यहाँ पर recently disallow किया गया था। All right. Distributions of लोकसभा seats, अगर लोकसभा seats के distribution के बारे में अगर हम बात करें, current strength है भारत की 530 from the states, 13 फ्रॉम द यूनियन टेरेटरीज। 550 इज द मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स की यहां पर कैपेसिटी है हमारे न्यू लोकसभा के अंदर। वेरियस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग है आप देख सकते हैं किस तरीके से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दौरान बहुत ही सुंदर सुगम्य हमारा न्यू लोकसभा राज्यसभा है। राज्यसभा की सीट्स के बारे में अगर हम बात करें, 238 राज्यसभा की स्ट्रेंथ रहती है, 13 राज्यसभा सीट्स टू फेस पोल्स बिफोर 2024 जनरल इलेक्शन। जी बिल्कुल, यहाँ पर 13 राज्यसभा सीटों पर इलेक्शंस कंडक्ट होगा 2024 के जनरल इलेक्शंस के पहले। विजय पी टू गेट 2 सीट्स फ्रॉम द वेस्ट बंगाल त्रिपुरा, कांग्रेस टू लूज 1 सीट। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ
रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, अमेंडमेंट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर रहती है राज्यसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे। पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग अमेंडमेंट बिल बाय द टू थर्ड मेजोरिटी। इलेक्टोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कलेक्टिवली विद द अदर हाउसेस। जुडिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, पावर टू इम्पीच प्रेसिडेंट, रिमूव जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी अदर ऑफिशियल्स। लेजिस्लेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर टू इंट्रोड्यूस ऑर्डिनरी बिल्स। फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अगर हम बात करें, टू प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल्स पास बाय द लोकसभा। आप देखते हैं लोकसभा के अंदर मनी बिल की परमिशन लोकसभा स्पीकर के द्वारा दी जाती है और राज्यसभा के पास में कोई भी राइट नहीं है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का रिजेक्शन दे पाए। उन्हें वहां पर राज्यसभा को पास ही करना पड़ता है मनी बिल। दे आर ओनली एलिजिबल टू प्रोवाइड सजेशंस। रोल्स ऑफ राज्यसभा मेंबर, सेफ्टी वॉल्व ऑफ इंडियाज फेडरल पॉलिसी थ्रू बाइकैमरल सिस्टम, रिविजनरी हाउस टू कीप अ चीक ऑन द एससी legislation, deliberative body to enable members to debate over the issues, representing the vulnerable sections. चलिए हमारा न्यू राज्यसभा आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी पिक्चर से यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर निर्मित किया गया न्यू राज्यसभा। तीन तरीके के सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। सबसे पहला होता है बजट सेशन, जनवरी एंड और अप्रैल एंड और मई फर्स्ट वीक के दौरान कंडक्ट किया जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेशन है बजट सेशन, फर्स्ट सेशन जो साल के शुरुआत में कंडक्ट होता है। मॉनसून सेशन के बारे में बात करें, जुलाई स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है और अगस्त सितंबर तक चलता है। सेकंड सेशन ओवर थ्री वीक्स। विंटर सेशन के बारे में बात करें, जो करंटली आपका विंटर सेशन चल रहा है नवंबर और दिसंबर के बीच में, और ये तीसरा सेशन होता है इस साल का। किसी भी सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। चलिए तो ऐसे ही टॉपिक के लिए आप मेरे साथ में लगातार बने रह सकते हैं अनअकैडमी पर। अनबॉक्स 2023, अनबॉक्स इज बैक, प्राइसेस हैव बीन ड्रॉप्ड, गेट अप टू 60% ऑन एनडीए सीडीएस सब्सक्रिप्शन। सो इफ यू आर एस्पिरेंट्स ऑफ सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेस, वी आर हैविंग अ ब्रह्मोस बैच that will surely help you to ace your preparation and get the desired goal. Live from the 14th of December 2023 and Agni 1.0 NDA Batch 2024, it is going to be live from the December 14, 2023. This is a limited period offer. Use code UJ18. UJ18 code use karke aap yahan par price drop avail kar sakte hain, discount avail kar sakte hain. If you want more information, you can contact on this number and also can check the links on the description. If we talk about the faculties for the NDA 2024 Agni 1.0 batch, Akhil Kumar Roy sir, Dheera Sharma sir, Shivalika ma'am and Sunny Verma sir will be there for the complete preparation of National Defense Academy examination, 6 months live comprehensive batch, and topic wise notes will be available. If we talk about the BrahMos Combined Defense Services examination complete batch, Prashant Jagtap sir is an ex-CISF assistant commandant, Shri Pateek sir, Siddhant Sharma sir and Sandeep Kumar sir will be there for your preparation regarding the CDS examination. चलिए ऐसे ही important topic के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं Unacademy पर, that is Defense Gurukul Telegram channel for all major updates and current affairs. इस QR code को scan करके हम आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं हमारे Telegram channel से for all major updates and current affairs. चलिए तो session के दौरान आप सभी को काफी information प्राप्त होगा पाई होगी। आप upcoming time में और भी important topics के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं Unacademy Defense Gurukul पर। Myself Ujjwal signing it off. जय हिंद, जय भारत।